हेलो दोस्तों विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और ऐसी लैंडमार्क जजमेंट जो हमारी लर्निंग को प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है और हम बात कर रहे हैं एस आर बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं सवालों के ऊपर आता हूँ सबसे पहला सवाल क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट पावर होती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की और यहां पे रेफरेंस किस चीज का हो रहा है दोस्तों यहां पे रेफरेंस हो रहा है आर्टिकल 356 जिसके अंदर प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है स्टेट्स के अंदर तो यह चीज इस चीज के ऊपर एक तरह से लगाम लगाने का जो काम किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट एस आर बोमाई वर्सिस यून ऑफ इंडिया के अंदर किया था और दूसरा सवाल यहां आता है क्या प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आर्टिकल 356 के अंडर जस्टिशियबल है दैट मींस इज इट अप टू द कोर्ट टू डिसाइड दैट इफ़ इट वाज करेक्ट और नॉट टू इशू द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी एंड टू व्हाट एक्सटेंट क्या क्या चीज़ें वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोर्ट ये देखने के लिए कि प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है या स्टेट इमरजेंसी लगाई है क्या वो सही है लजटमेट है या नहीं केस के बारे में जानते हैं और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि आर्टिकल 356 क्या है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके की इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल थ्री की इसमें क्या होता है दो तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है एक अगर गवर्नर अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के दे और प्रेसिडेंट को सौंप दे यह कहते हुए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रही है और दूसरा अगर खुद से प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कंटिन्यू एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दोनों ही केसेस के अंदर वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है अब स्टेट इमरजेंसी को डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे कि उससे क्या होता है लेकिन एक बेसिक आइडिया आप इतना समझें कि स्टेट इमरजेंसी लगते ही आप पहला काम करते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देते हैं उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स का काम होता है वो प्रेसिडेंट या तो खुद सौंप खुद करते हैं या वो गवर्नर ऑफ द स्टेट को सौंप देते हैं इसके अलावा स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाता है जिसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा अगेन द मैटर्स दैट वर देयर विद द स्टेट चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर के सब्जेक्ट्स हों चाहे वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर हो या लेजिस्लेटिव पावर वो सारी की सारी पावर्स प्रेजिडेंट के पास आ जाती हैं और प्रेजिडेंट अपने हिसाब से उन्हें किसी को भी एलोकेट कर सकता है इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेट्स को आर्बिट्ररी एप्लीकेशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल से बचाया जा सके लेकिन हमने काफी सालों तक ऐसा देखा आजादी के बाद कि रूल जो है या स्टेट इमरजेंसी जो है वो आर्बिट्ररीली अप्लाई कर दी जाती थी और उसका कारण यह था कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जिसका नाम था थर्टी एथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने यह कहा था कि जो भी प्रोक्लेमेशन होगा नेशनल इमरजेंसी का या स्टेट इमरजेंसी का उसकी जुडिशियल इंक्वायरी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है अगेन जब भी ओपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में आती थी तो फिर वो बाकी जिन सभी स्टेट्स के अंदर ओपोजिशन पार्टी वाली गवर्नमेंट सरकारें हैं उनको एक साथ प्रेसिडेंट रूल लगा के डिसमिस करवा देती थी और ऐसा कई बार हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब नाइनटीन में जब जनता दल जीत के आई इंदिरा गांधी डिफीट हुई तो जितनी भी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वहां पे उन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगा दी फिर इंदिरा गांधी जी जब जीत के आए 1980 में तो उन्होंने ऑपोजिशन के स्टेट्स में स्टेट इमरजेंसी लगा दी तो ये एन मास जो है बल्क में जो है दस दस बारह बारह आठ आठ स्टेट्स में स्टेट इमरजेंसी लग जाया करती थी और ये जो प्रोसेस था बहुत ही ब्लेटेंटली मिसयूज़ होता था इसी की चीज़ के चलते एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है जो इस प्रोसेस की जो ये मिसयूज़ है उसके ऊपर प्रकाश डालता मिलता है एस आर बोमई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे कुछ समय तक 13 अगस्त 1988 से लेके 21 अप्रैल 1989 तक उनसे पहले बेसिकली 1985 के जो इलेक्शन हुए थे तो रामकृष्ण हेगड़े साहब जो थे वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जनता पार्टी ने इलेक्शन जीते थे जनता पार्टी के का इमर्जन हो मर्जर हो गया था जनता दल के साथ 1988 में और उसके बाद बोमाई को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो कुछ प्रेजेंट एम क्योंकि वो कब से 1985 से इलेक्ट हो गए थे वो नहीं चाहते थे कि बोमाई प्र... चीफ मिनिस्टर बन के रहे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने गवर्नर को अप्रोच करते हुए यह कहा कि हम अपना समर्थन सपोर्ट जो है वो सरकार से वापस छीन रहे हैं देखिए नहीं ना ही उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया क्यों क्योंकि अगर वो पार्टी से रिजाइन करते तो उनके अंदर ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता जो टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है और अगर इलेक्शन जीतने के बाद आप अपनी पार्टी से रिजाइन करते हैं तो आपको डिस्कवालीफाई कर दिया जाता है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने गवर्नर को कहा कि हम इस चीफ मिनिस्टर के समर्थन में नहीं है और अगर हम सपोर्ट हटा देंगे गवर्नमेंट में से तो इनकी मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी बन जाएगी अब जो एस आर बोमाई थे उन्होंने यह कहा कि मुझे मौका तो दीजिए कि मैं अपनी मेजोरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव कर सकूं यानी कि मैं असेंबली के अंदर सभी एम को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाऊंगा और उनको कहूंगा कि भाई वोट दो मेरे फेवर में अगर वो करते हैं तब तो मेरी मेजोरिटी प्रूव हो जाएगी लेकिन ऐसा मौका दिए बिना कर्नाटका के गवर्नर ने ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन को आर्टिकल थ्री का इस्तेमाल किया और रिकमेंड किया कि प्रेजिडेंट्स रूल यहाँ पर लग जाए प्रेजिडेंट का भी ऑर्डर निर्देश आ गया

तो एस आर बोमाई ने कोर्ट के अगेंस्ट गए गवर्नर के इस डिसीजन के खिलाफ सबसे पहले वो कर्नाटका कोर्ट के पास गए लेकिन वहां पे उनकी पिटिशन डिसमिस हो गई जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं अब इसी दौरान कई और स्टेट्स में भी जो केस स्टार्ट हुआ है 1988 के अंदर 1988 से लेकर 1994 में जजमेंट आती है इसकी ऑलमोस्ट फाइव इयर्स के ऊपर लग जाते हैं इस केस की जजमेंट आने में उस दौरान कई और स्टेट्स के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अलग अलग रीजंस की वजह से नागालैंड और मेघालय के अंदर लगाया जाता है प्रेजिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी और राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में इन द आफ्टर माथ ऑफ द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जब हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा रिलीजियस वायलेंस फैल चुकी थी और इसको कंट्रोल करने में असमर्थ रहे थे ये स्टेट्स ऐसा कहा गया और इवन इन द बिल्डअप ऑफ द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन देर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट वर हैपनिंग दैट वर कंसिडर्ड एज एंटी सेकुलर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्होंने क्या किया राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पंद्रह दिसंबर को स्टेट इमरजेंसी लगा दी अब ये सारी इमरजेंसी के जो केसेस थे ये एक साथ बंच कर दिए गए और इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट ने ले जाने के लिए कहा और इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नौ जजेस बैठे और 1994 के मार्च 11 को उन्होंने इस पूरे स्टेट इमरजेंसी के टॉपिक को उठाया और उसके ऊपर एक एक्सटेंसिव जजमेंट दी जो इंडिया के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट साइटेड जजमेंट्स है पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो अब सबसे पहले इस केस के अंदर जो पटिशन करता थे यानी कि जो लोग चैलेंज कर रहे थे स्टेट इमरजेंसी की एप्लीकेशन को उनके क्या क्या तर्क या आर्ग्यूमेंट्स थे सबसे पहला उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि द पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इज़ नॉट ऑन सब्जेक्टिव डिस्क्रिशन और ओपिनियन बट ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कहने का मतलब है कि प्रेजिडेंट के पास कोई ठोस कारण होने चाहिए कोई टेंजेबल रीजन होने चाहिए जिसके बेसिस पे वो ये डिसीजन ले सके कि, कि किसी स्टेट के अंदर एमरजेंसी लगानी है या नहीं लगानी दूसरी चीज प्रोक्लेमेशन जो ऑर्डर देते हो ना कि आप स्टेट इमरजेंसी लगा रहे हो यू शुड कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑल द ग्राउंड एंड रीजन फॉर विच यू आर स्टेट इमरजेंसी आपको उस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर के अंदर डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों यहां पर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा रही है तीसरा मध्य प्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी लगी इसको तो ये बिल्कुल ही लेजिटिमेट नहीं मान रहे हैं रीज़न उन्होंने ये कहा कि अगर कुछ कम्युनल डिस्टरबेंसेस हो जाती हैं या थोड़े से इंसिडेंसेस ऑफ आर्सन, आर्सन यानी कि जानबूझ के आग लगाना पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना अगर ये सब एक्टिविटीज़ के चलते आप स्टेट इमरजेंसी लगाने लग गए फिर तो हर स्टेट में दो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी घटना घटती रहती है तो आप तो ऐसे स्टेट इमरजेंसी लगाते रहोगे तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो रीजन है इन्होंने दिया हुआ कि सेकुलरिज्म का को uh, थ्रेट हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं लेकिन सेकुलरिज्म को डिफाइन कहां किया गया है वेयर हैज सेकुलरिज्म बीन डिफाइंड सेकुलरिज्म एक वेग कंसेप्ट है ऐसा करता ने कहा और यह कहा कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी डेफिनेशन है ना हम किसी लॉ में देखते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या है तो आर्टिकल 356 का इस बेसिस पे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चल रही इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द वन हु इज गोइंग टू हैंडल अब देखिए जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो हम प्रेजिडेंट का सिर्फ नाम मात्र लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन है ये प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशनरी फैसला नहीं है ये फैसला उनको करने के लिए कहा गया है बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये प्रोक्लेमेशन करती है यानी प्रेसिडेंट के थ्रू ये प्रोक्लेमेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी अदालत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि आर्टिकल 356, उनका लॉजिक का स्ट्रक्चर देखते हैं आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देते हैं स्टेट इमरजेंसी की इट इज नॉट हिज डिस्क्रिशनरी इट इज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो एज पर आर्टिकल 74 फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर शाल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु शाल एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट ठीक है और प्रेजिडेंट जो भी एड एंड एडवाइस एड 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 देंगे उनको उसे मानना पड़ेगा ठीक है अब आर्टिकल 72 का दूसरा क्लॉज यह कहता है कि इट बार्स इंक्वायरी इन टू द क्वेश्चन वेदर एनी एंड वट एडवाइस बाय द द मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के जो भी फैसले होंगे इट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिस्टीरियल एडवाइस अब यह मिनिस्टीरियल एडवाइस को कोई भी अदालत में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकता है यह आर्टिकल सेवेंटी का सेकेंड क्लॉज कह रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द रीजन विच लेड टू द प्रोक्लेमेशन शिल ऑल्सो बी बार्ड इसका मतलब कि जुडिशियल रिव्यू आप कर ही नहीं सकते उस चीज का क्योंकि आर्टिकल सेवेंटी फोर टू में वो प्रोटेक्टेड है दूसरा इन्होंने रिस्पॉन्स ये रखा कि सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाना चाहिए सेकुलरिज्म आर्टिकल जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया गया था इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हर तरीके के हर मजहब के लोगों को हर रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन को फॉलो करने प्रैक्टिस करने प्रोपगेट करने और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्रोवाइड करते हैं तो इस वजह से सेकुलरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है दे सेड बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का आपको याद होगा दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन कौन सी जजमेंट में दी गई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर है इसीलिए अगर कोई भी स्टेट अनसेक्युलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो इसका मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अगेंस्ट काम कर रहा है इसीलिए हम वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं ऐसा सेंटर ने कहा सो द डेमोलिशन ऑफ राम जन्मभूमि पे जो मस्जिद बनी थी उसका जो डेमोलिशन हुआ और उसके आफ्टर में जिस तरीके की वायलेंस देखने को मिली उससे पहले जिस तरीके के इवेंट्स भारत में घटे उन स्टेट्स के ऊपर इन लोगों का स्टेट इमरजेंसी लगाना वॉज लेजिटिमेट ऐसा गवर्नमेंट ने कहा अब जजमेंट की तरफ आते हैं सुप्रीम कोर्ट यहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखता है जो आगे आने वाले समय में इन द केस ऑफ टू एक तो हंग असेंबली के के केस में यानी कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़े हाउस में कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है एक उस केस में और दूसरा प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगाने से पहले ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पहली चीज़ आर्टिकल 352 से लेकर 360 तभी इन हो सकते हैं व्हेन देर इज़ एन इमरजेंसी एज डिस्क्राइब्ड देर इन एज है ना एज डिस्क्राइब्ड देर इन मतलब एक्जैक्टली exactly उस तरीके की इमरजेंसी होनी चाहिए जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड दूसरा प्रेजिडेंट को जो डिसीजन लेना है वो ऑब्जेक्टिव मटीरियल और प्रूफ के बेसिस पे लेना है अपने ओपिनियन से नहीं लेना है कि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहां पे सही से नहीं चल रही दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन सो प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ़ आइदर गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज खुद से इन्वेस्टिगेट करवाया है उसने उसके बाद कोई रिपोर्ट बनवाई है या गवर्नर रिपोर्ट बना के देता है इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोई ऐसी रिपोर्ट कोई ऐसी एविडेंस होना ज़रूरी है जिसको देख के प्रेसिडेंट ये डिफाइन कर सके कि इस स्टेट के अंदर यहां पर स्टेट एमरजेंसी लगानी पड़ेगी दूसरा अगर ऐसा सिचुएशन आती है विच द गवर्मेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉ बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंस और सर्टन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टेंजिबल प्रूफ अब आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जो ये प्रोक्लिमेशन होता है स्टेट इमरजेंसी का वो जुडिशल रिव्यू से इम्यून नहीं होता है देखिए बहुत ही बेसिक बात है जुडिशरी हमेशा जुडिशियल रिव्यू को टॉप पे रखती है क्योंकि जुडिशल रिव्यू को ही उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना है जब भी किसी कानून ने जुडिशल रिव्यू को बाईपास करने की कोशिश की है जुडिशरी को बाईपास करने की कोशिश की है उसके साइड से निकलने की कोशिश की है जुडिशरी उसे खींच के ले आया है अपने परव्यू के अंदर अपने जुडिशियल रिव्यू के अंदर और वैसा ही प्रेसिडेंट्स रूल uh, की प्रोक्लेमेशन के लिए भी हुआ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 74 फोर बार्ज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर्स बट इट डज नॉट बार द स्क्रूटनी ऑफ द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच एडवाइस इज गिवन ठीक है थोड़ा सा खेल गए यहाँ पे कह दिया कि भाई आपने एडवाइस जो दी है हमें उससे पत, हमें तो पता ही आपने क्या एडवाइस दी है तभी तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन किया है हम बात कर रहे हैं आपने किस बेसिस के ऊपर ये एडवाइस दी है हम उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि या क्या स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन लगी है क्या वो सही लगी है या नहीं आल्सो प्रेसिडेंट रूल का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप प्रोक्लेमेशन करते हो स्टेट इमरजेंसी का उसके दो महीने के अंदर अंदर विद इन टू मंथ्स ऑफ दैट प्रोक्लेमेशन यू हैव टू गेट द प्रोक्लेमेशन पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी यानी कि उस प्रोक्लेमेशन की आपको रेटिफिकेशन करवानी पड़ती है क्या कहते हैं इसे सर रेटिफिकेशन तो जो आपने ऑर्डर दिया है उसकी रेटिफिकेशन दो महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करवानी पड़ती है और तभी आप इसको दो महीने से बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हो अदरवाइज ये प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर जो है वो खारिज हो जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करना चाहते हैं वेल एंड गुड बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप लेजिस्लेचर को डिजोल्व करना चाहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू डिजोल्व द लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आप तभी कर सकते हैं जब आप पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई करवा दें मीन्स आप लेजिस्लेचर को डिसमिस नहीं कर सकते आप स्टेट की विधानसभा को डिसमिस नहीं कर सकते उसे टेम्पररी तौर पर सस्पेंड जरूर कर सकते कि उसका काम काज रोक दिया लेकिन उनको बर्खास्त नहीं कर सकते उनको रिमूव नहीं कर सकते डिजोल्व नहीं कर सकते नया इलेक्शन करवाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते तब तक जब तक आप रेटिफिकेशन ना ले लें पार्लियामेंट से तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने स्टांस लिया है जिसका हम आगे जाके इंपैक्ट भी देखते हैं कि पड़ा है अब स्टेट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अगर कोर्ट कह देता है कि आई एम स्ट्राइकिंग डाउन द स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने गवर्नमेंट को डिसमिस किया था जो आपने असेंबली को सस्पेंड किया था वो सारा रिस्टोर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर वही दोबारा वापस आ जाएंगे जो स्टेट इमरजेंसी से पहले चीफ मिनिस्टर थे तो इसी पे स्टेटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत में जो फेडरलिज्म है वो चाहे सेंटर के प्रति ज्यादा बायस्ड है लेकिन जितना भी स्टेट्स को पावर दी गई है वहां पे स्टेट सुप्रीम है स्टेट लिस्ट में स्टेट सुप्रीम है और आप उनकी पावर को एनक्रोच ना करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट हेयर हैज सेड कि सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और सेकुलरिज्म के बेसिस पे सेकुलरिज्म के अगर अवहेलना होती है सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है अगर उस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए स्टेट इमरजेंसी लगाई जाए तो फिर वो वैलिड होती है इट विल बी वैलिड इट सेज दैट इट शुड बी वैलिड इवन इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज सेकुलर मैनर इट कैन बी डिसमिस्ड और आखिरी चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो असेंबली के अंदर मजॉरिटी आपके पास है या नहीं है ये किस पे डिपेंड करता है कि फ्लोर ऑफ द असेंबली पे आप मेजॉरिटी प्रूव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो यानी कि हमेशा असेंबली का एक सेशन बुला के एक सिटिंग बुला के आपको फ्लोर टेस्ट करना है उसके बाद ही आप असरटेन कर सकते हो कि आपके एक्स वाई जेड पार्टी के पास मेजॉरिटी है या नहीं है गवर्नर अपनी तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते तो जो प्रोक्लेमेशनस थी कर्नाटका के लिए मेघालय के लिए नागालैंड के लिए उनको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया लेकिन जो सेकुलरिज्म के बेसिस पे प्रोक्लेमेशन थी प्रदेश के लिए राजस्थान के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए उनको वैलिड ठहराया गया तो यहां पे आपने देखना है कि किस बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी लगी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे इन्वेस्टिगेट करना जब से ये जजमेंट आई तब से प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगने के इंस्टेंसेस बहुत कम होने लग गए क्योंकि स्टेट इमरजेंसी अगर आप लगाते हो आपको अदालत में जाके कोर्ट में जाके प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी तभी जाके आप इसे एक्सेप्ट करवा सकते हो बाय द जुडिशरी क्योंकि जुडिशरी इसको कभी भी रिव्यू कर सकती है तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि हम बिहार की जो सरकार है राबड़ी देवी की जो गवर्नमेंट है उसको हम सैक कर देते हैं यानी प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं लेकिन क्या कहा गया था आप तब तक असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप राज्यसभा प्लस लोकसभा से प्रोक्लेमेशन नहीं ले लेते आई मीन रेटिफिकेशन नहीं ले लेते जब इस सरकार को यह पता लगा कि जब हम राज्यसभा के पास जाएंगे वहां पे यह प्रोक्लेमेशन जो है रेटिफाई uh, नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां उस वक्त बीजेपी एंड उनके एल की मेजोरिटी नहीं थी इस वजह से उन्होंने वापस ही ले लिया वो प्रोक्लेमेशन सो इट वॉज री इंस्टेटेड इन मार्ची नाइन बिकॉज दे न्यू राज्यसभा से हमारा प्रोक्लेमेशन पास नहीं होने वाला ये क्यों डर लगा उन्हें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ने कहा गया था कि आपको रेटिफाई करवाना ही पड़ेगा तो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये एक ऐसा जजमेंट है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है खासतौर पर तब जब हंग असेंबली का केस होता है यानी कि जब हमें पता नहीं चलता कि कौन सी पार्टी या कौन सी ग्रुप ऑफ पार्टी की मेजोरिटी तो इस

के लिए हैप्पी दिवाली एंड सी यू नेक्स्ट टाइम